पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में आयोजित आर्यवीर महासम्मेलन में मंच से बाबा रामदेव ने जिन्ना का नाम लेकर जोरदार हमला बोला है। बाबा रामदेव ने कहा कि जिन्ना दारू पीता था, इसलिए वो मर गया, अच्छा हुआ। दरअसल वो शराब की बुराई पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जैसे लोग इस्लाम को कट्टरता से फॉलो करते हैं, वो दारू नहीं पीते, वैसे इस्लाम को मानने वाले कुछ वाहियात किस्म के लोग खूब दारू पीते हैं। जिन्ना दारू पीता था। बाबा रामदेव ने मंच से बॉलीवुड पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने मंच से शाहरुख खान के बेटे के बारे में कहा कि वो ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया और जेल की हवा खाकर आया है। वहीं सलमान खान ड्रग्स लेता है, न जाने बड़े कितने फिल्म स्टार ड्रग्स लेते हैं, और एक्ट्रेस का तो बहुत बुरा हाल है। फिल्म इंडस्ट्री के चारों तरफ ड्रग्स भरा हुआ है, और तो और पॉलिटिक्स में भी ड्रग्स भरी हुई है। जाति मुक्त भारत का माना कि जाति भारत की सच्चाई है। अलग अलग प्रकार की जातियों में लोग अभी भी शादी ब्याह करते हैं तो जाति देख करके करते हैं, 99% वोट करते हैं तो 90% लोग जाति देख करके वोट करते हैं। लेकिन हमें एक सोच पैदा करनी होगी, और यार समाज का बहुत बड़ा काम है कि हम सब एक ईश्वर की संतान है, एक ईश्वर की संतान होने के नाते भैया शराबबंदी का कानून लागू कर दो, लोग घरों में बना के पीने लग जाएंगे। गुजरात में शराबबंदी है लेकिन दारू पीते हैं लोग, बिहार में शराबबंदी है दारू पीते हैं लोग। कानून से सब काम नहीं हो सकता, इसलिए देश का नैतिक बल ऐसा होना चाहिए। मैंने कल ही भोर के प्रभात के शिविर में कहा था इस बात को कि परिवर्तन शासन से नहीं आएगा, परिवर्तन आत्म अनुशासन से आएगा, और आत्म अनुशासन सिखाता है आर्य समाज। आत्मशासन सिखाते महर्षि दयानंद, आत्मशासन सिखाते हमें वेद, हमारे दर्शन, हमारे उपनिषद, और हमारे पूर्वजों का चरित्र हमारे सामने महादेव यह तथा सपन था। महाभारत ने कहा कि जीवन का रास्ता कौन सा चुने हम, कौन सा रहा कल्याण का मार्ग, जिसके लिए वेदों में कहा स्वस्थ पंथाम अनुचरे मसूर्य चंद्र मसा विवाद, वो कल्याण का मार्ग क्या है। जिस मार्ग पर गौतम क्रांति चंडी पाणी ने पतंजलि चले, जिस मार्ग पर महर्षि दयानंद चले, जिस मार्ग पर कोट कोट ऋषि चले, उन पूर्वजों के पथ पर हम चले हैं। जैसे कोई इस्लाम को कट्टरता से फॉलो करता है तो कहते हो दारू नहीं पीता, ये अलग बात है कि लोग वाहियात किस्म के जो इस्लाम को मानने वाले लोग खूब दारू पीते, जिन्ना दारू पीता था मर गया जल्दी, अच्छा हुआ था। लेकिन इस्लाम को मानने वाला कोई दारू पिए तो बोले ये हराम हो गया, ये हराम ही है, ये पाक ने अब ये नापाक हो गया है। इस्लाम को में दारू पीने वाले को ये कहते हैं कि अब ये नापाक हो गया, पाक नहीं रहा। अरे तो हम तो ऋषियों के वंशज है ना, बीड़ी, अब इस्लाम में लोग दारू छोड़ दी तो बीड़ी सिगरेट तमाकू गुटखा सार और बाकी ड्रग्स खाने लगे पीने लगे। आज एकमात्र पवित्र समाज कोई पूरी धरती पर है तो आर्य समाज है, जिसके लोग कोई नशा नहीं करते, किसी प्रकार का नशा नहीं करते, याद रखिए चाय तक नहीं पीते, वो कोई समाज है तो आर्य समाज है। अब ये समाज में पवित्रता रहने की आवश्यकता है। लोग कहते हैं आर्य समाज की क्या जरूरत है, ये जरूरत है इस समय आर्य समाज की कि लोग कोई भी एक व्यक्ति भी नशा ना करे, इसके लिए आर्य समाज चाहिए। और ये आर्य समाज का लक्ष्य है कि सबके जीवन में पूर्ण पवित्रता हो,